नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ले क्रिकेट के इस पहले ऑनलाइन सेमिनार में। दोस्तों, आपको सबको पता है कि आज भारत के साथ पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के समय में हम चाहते हैं कि हमारे साथी फिजिकली मेंटली फिट रहे, घरों पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो दोस्तों, आपको घर बैठे ले क्रिकेट के आधुनिक और नवीनतम नियमों की जानकारी देने के लिए हमने इस सेमिनार को आयोजन किया है। हम आज पहले भाग में केवल हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, हमारे हिंदी मीडियम के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, एम्पायर हैं, उनके लिए हम हिंदी मीडियम वाला ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का जो सेमिनार है वो 31 मई को आयोजित किया जाएगा, ठीक शाम को 5 बजे इसी समय। तो दोस्तों, हम चलते हैं लेग क्रिकेट की इस नई नई नियमावली को, जिसका हमने नाम दिया है लेग क्रिकेट खेल नियमावली 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020 2020 का साल है। इस साल हमने लेग क्रिकेट के कुछ नियमों को चेंज किया है, कुछ नए नियमों को शामिल किया है। उन सभी नियमों की जानकारी हम इस सेमिनार में आपको दे रहे हैं। जितने भी साथी इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं उनको बता दूं, आज आपका पहला दिन है। पहले इस दिन में आपको ये ऑनलाइन जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से जो लेग क्रिकेट के नियम हैं उनको समझाया जाएगा। आपका दूसरा सेशन होगा कल शाम को 5 बजे ही, जिसमें जूम ऐप पर हम आपका लाइव जो है आमने सामने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आपकी जो समस्या है उनको सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सुनेंगे। आज इस पहले सेशन में हम केवल आपको जानकारी देंगे, कल आपके जो विचार है, जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो आपकी समस्या है उनको सुनेंगे। उसके बाद एक दिन का आपको समय देंगे ताकि आप इसको, जो हमारी रूल बुक है, उसको अच्छी तरह पढ़ लें। फिर अगले दिन यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे दिन हम आपको एक परीक्षा पत्र देंगे, ऑनलाइन भेजेंगे उसको। जिस तरह से आपने फॉर्म भेजा है, इस तरह से आपको हम गूगल फॉर्मेट में एक आपका जो क्वेश्चन आंसर के लिए भेजेंगे, आपको वो पढ़ना है, उसका जवाब देना है। जब जवाब हमारे पास आ जाएंगे तो उनको चेक करने के बाद जो भी साथी पास हो गए उसमें, वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये, क्योंकि राज्य स्तरीय एम्पायर सेमिनार है ये, लेकिन फिर भी अभी नए कुछ नियम चेंज हुए हैं तो हो सकता है आपको कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़े। वो टेस्ट आपका होगा, उस टेस्ट के आकलन के बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस ऑनलाइन T20 लेग क्रिकेट सेमिनार को। दोस्तों, आपने रूल बुक पढ़ ली होगी, रूल बुक आपके सबके हाथों में होगी। हम ऑलरेडी आपके स्टेट सेक्रेटरीज को ये रूल बुक सेंड कर चुके हैं और ये रूल बुक हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड है। हमारी वेबसाइट आपको पता है, नीचे नाम भी वेबसाइट का आ गया है, www.legcricketindia.com। इसी नाम से गूगल में अगर आप सर्च करेंगे लाइक क्रिकेट इंडिया, तो आपको रूल बुक, वीडियो, सब नई जो जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो बात करते हैं लाइक क्रिकेट के इतिहास की। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि लाइक क्रिकेट कोई नया गेम नहीं है। हमने अपने बचपन में इस गेम को खेला है। ठीक है, नियम नहीं थे, रिक्रिएशन गेम था। 2011 से पहले रिक्रिएशन गेम के तौर पर ही खेला जाता था। अलग अलग बॉल, खिलाड़ी की अलग अलग संख्या, विकेट का कुछ और साइज या बॉल का कुछ और साइज, कोई नियम थे ही नहीं। जो असली इसके नियम बने वो 27 अक्टूबर 2011, ये वो डेट है जिसमें हमने पहली बार लेग क्रिकेट की एक रूल बुक का निर्माण किया था। इसी रूल बुक का जो संचालन है वो आगे तक हमारे, यानी कि 2020 तक यही रूल बुक हमारी चलती रही। इस रूल बुक में समय समय पर छोटे मोटे कुछ परिवर्तन हुए हैं। जो जो मुख्य जो परिवर्तन इसके हुए हैं वो है ग्राउंड को लेकर। जो हमारी बाउंड्री थी वो समय समय पर हमने बढ़ाई है। जिस टाइम हमने लेग क्रिकेट शुरू किया था, इसका जो पहला नेशनल हमने 2012 में जब आयोजित किया था, उस समय इसकी बाउंड्री 90 फिट थी सेंटर से सीनियर्स के लिए। दोस्तों, लेग क्रिकेट की इतिहास की जानकारी देने के लिए मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। मैं खुद पर्सनली एक टीम के साथ, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम चाह रहे थे कुछ नया ऐसा गेम आए जिसके अंदर, पहली बात है तो कोई इंजरी ना, दूसरा जिसके अंदर बच्चे एक्साइट होके खेले, बच्चे को बोरियत फील ना हो। फुटबॉल देखा ना, स्कूल में खेल के पीरियड में हमें, मेरे स्कूल में बड़ा ग्राउंड था, तो हमारे जो फुटबॉल था वो
मेन गेम तो चलता रहता था वहाँ पर, और गेम्स के पीरियड में हमें फुटबॉल दे दी जाती थी। बड़ा और सा लगता था कि यार एक इतने खिलाड़ी एक फुटबॉल के पीछे भाग रहे। और लकीली जब फुटबॉल को मेरी लात या हमारे किसी भी साथी की एक लात उसको लग जाती थी तो बड़ा एक्साइट होता था यार मैंने मार दिया। लेकिन लेग क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें बॉल खुद आपके पास आती है, आपको उसको हिट करना है। आप देखिए कितना एक्साइटमेंट होगा, आप हिट करेंगे बाकी बच्चे उसको पकड़ने के लिए भागेंगे और उसी दौरान आप रन लेंगे, रन बनाएंगे। मीन्स एक्साइटमेंट अब यहाँ पर दुगना तुगना नहीं, कई गुना हो गया है। तो लेग क्रिकेट के इतिहास की बात करते हैं। लेग क्रिकेट मैं बता चुका हूँ कि 2011 27 अक्टूबर को हमने इसकी लॉन्चिंग की थी रूल बुक की, लेकिन उससे पहले हमारा इस पर रिसर्च चल रहा था। जब रिसर्च चल रहा था तो हमने इसको खेलने के लिए अलग अलग बॉल्स का प्रयोग किया। ये अलग अलग बॉल्स की कहाँ पर आई, इसलिए क्या है लेग क्रिकेट, यही नहीं कि लेग क्रिकेट ऐसे बन गया। लेग क्रिकेट जो हमने देखा है खेला है समझा है अलग अलग राज्यों में, इसके हमने अलग अलग तरीके से जब ये खेला जाता था तो उसका अध्ययन किया। हमने देखा है खिलाड़ी किस प्रकार इस गेम को खेलते हैं। कई जगह पर जो छोटी टेनिस बॉल आती थी जिससे हम क्रिकेट भी खेलते उसके साथ खेला जाता था, कई जगह फुटबॉल के साथ, कई जगह वॉलीबॉल के साथ, और कई जगह है ना मैंने देखा कुछ जो हमारा ग्रामीण इलाका था वहाँ पर जो रद्दी कागज़ होता उसको इकट्ठा किया उसके ऊपर कपड़े सिलाई की उस बॉल से खेलते थे। वो बॉल बड़ी सॉफ्ट बॉल होती थी, वो हम भी खुद उस बॉल से खेल रहे पहले बचपन में। तो ये तो हो गया लेग क्रिकेट की अलग अलग बॉल की बात। 2011 में जब हमने इस रूल बुक को प्रिंट किया, जब इस रूल बुक का निर्माण किया, उसके बाद से हमने इसको खेलना शुरू किया। मैं बॉल समस्या थी हमारे पास बॉल की, बॉल का क्या करें, हमने भी अलग अलग बॉल को इसमें यूज किया। फुटबॉल थी तो ज़्यादा हैवी थी, खिलाड़ी की ज़्यादा जान लगती थी, बाउंड्री भी छोटी में काम चल जाता था। वॉलीबॉल खेले तो बॉल पर हवा में घूम गई है, एक और शूटिंग वॉली टाइप की आती है उसको खेला तो बच्चे के पैर में दर्द हो गया, पैर में कई बार ट्विस्ट की समस्या बनी। वुमेन्स हेडबॉल को लिया हमने, वुमेन्स हेडबॉल और जो शूटिंग वॉली आपको देखा साइज छोटा तो पकड़ने बड़ी आसान होती है वो, उससे खेले। जब उससे खेलना आरम्भ किया तो थोड़ा बच्चों को शूट किया, लेकिन वुमेन्स हैंडबॉल थोड़ी सी साइज में बड़ी थी। इसमें उन्होंने बताया ना आपको अंडर 14 से सीनियर एज तक के बच्चे हैं, सबके लिए बॉल समान है। तो हम जो बॉल निर्माता है उसके पास गए, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसको बोला कि जो वजन है वो 225 से 250 ग्राम होगा, यानी 225 से 250 ग्राम्स, और साइज ये पर्टिकुलर साइज जो कि बॉल ग्रिप में है। उसने हमारे को फुटबॉल 120 से लेके 2 नंबर की बॉल दिखाई, जिसमें वही बात है जितने मैन्युफैक्चरर की बात की, साइज सबका थोड़ा थोड़ा लगता। तो उसको हमने साइज बताया, वेट बताया, और उसने बोल तैयार कि वो एक्यूरेट बोल थी। और आज हमें काफ़ी गर्व होता बताते समय कि जिस तरह वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट थ्रो बॉल बास्केटबॉल इनकी एक स्पेसिफाइड बॉल है, उसी तरह लेग क्रिकेट की भी आज एक स्पेसिफाइड बॉल है जिसको खेलते समय खिलाड़ी इसका टूर्नामेंट में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों लेग क्रिकेट की खोज चलती रही, 2011 में लेग क्रिकेट की नियमावली तो बन गई, अब इसको प्रमोट करना था। तो इस प्रमोशन के लिए 2012 जो समर वेकेशन होती है उसमें मैं देश के अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ लोगों से बात की, उनको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जहाँ जो लेग क्रिकेट कई जगह चल रही थी उनका अध्ययन किया, जो नियमों का अंतर था उनको बताया। इसी दौरान मेरी जो मुलाकात थी मिस्टर एस नागराज से हुई, जो कर्नाटक के बेंगलोर राज्य में एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक फिजिकल एजुकेशन टीचर थे मेरी तरह ही। मैंने देखा कि वो शख्स भी लेग क्रिकेट को प्रमोट कर रहे थे, काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिसोर्सेज की कमी या कुछ आप कुछ भी समझ लीजिए, वो इस गेम को कर्नाटका से बाहर लेकर आए। नागराज जी से जब मेरी मुलाकात हुई, हमने इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए बात किया, बिल्कुल चलने के लिए वो हमारे साथ तैयार थे, और उनके इसी आश्वासन पर हमने 2012 में ही जुलाई में 13 जुलाई में बवाना के राजीव गांधी स्टेडियम में इस खेल का पहला राष्ट्रीय स्तर का जो है टूर्नामेंट जिसको हम फर्स्ट सीनियर नेशनल T10 लेग क्रिकेट चैंपियनशिप बोलते हैं उसका आयोजन किया। दोस्तों जब एसोसिएशन बनती है ना तो उसके लिए हमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। हमने बात की कुछ शख्स से, सब ने नया गेम जानकर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तब हमारी बात दिल्ली के बवाना विधानसभा के जो MLA हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, अब ex-MLA हैं, तो उनसे बात की, काफ़ी खेल प्रिय हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेग क्रिकेट की एसोसिएशन का गठन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से हमने पहला नेशनल अपना कराया।
लोगों ने फतिया कसी थी हमारे ऊपर कि वर्मा जी आप नेशनल करा रहे हो। कई विशेष हस्तियों को जब हम टूर्नामेंट के लिए, इनोग्रेशन के लिए या ओपनिंग सेरेमनी के लिए जब आमंत्रित थे, चीफ गेस्ट करने गए, तो उन्होंने ये सोचकर मना कर दिया कि भाई लेग क्रिकेट है, नया गेम है, पता है कितने बच्चे आएंगे कितने बच्चे नहीं आएंगे। मतलब एक तरह तो बात होती है हौसला बढ़ाने की, उन्होंने हमारा मोल डाउन करने की कोशिश की थी। लेकिन ठीक है, भगवान जो करता है, शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं। जब नेशनल हमने ऑर्गेनाइज किया तो लोगों को डाउट था, लोगों को यही था कि बस 5-7, मैक्सिमम 5-7 टीमें। कई बार होता है जैसे अदर्स गेम में करते हैं, भाई हमने 2-3 टीमें तो अपने स्टेट से कर ली, जो होम स्टेट है उससे कर ली, और एक दो आजू बाजू के जो स्टेट हैं आपके, जैसे मेरा दिल्ली है तो हरियाणा यूपी से मैं टीमों को बुला लूँगा, बस ठीक है 5-7 टीमें हो गई, टूर्नामेंट हो गया। लेकिन शॉकिंग, आप सोचिए कि पहला नेशनल, और पता आपको कितनी टीमें थी हमारे पास? 24 टीम आई थी बॉयज एंड गर्ल्स की। महाबली सतपाल जो दिल्ली के उप निर्देशक भी है शिक्षा और शारीरिक शिक्षा और खेल के, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि वास्तव में यार गेम में कुछ तो बात है, जो पहले ही नेशनल में 24 टीमें आई है। तो दोस्तों, इसके बाद हमने अक्टूबर 2012 में फर्स्ट जूनियर नेशनल T10 का भी आयोजन किया। अब सब जूनियर का जो मुकाबला था वो नागरा सर बेंगलोर में कराना चाहते थे दिसंबर में या जनवरी में, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण वो टूर्नामेंट नहीं हो पाया। उसके बाद हमने पुनः एक बार से दिल्ली के राजीव गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी मेमोरियल T10 लेग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया। उसके बाद बस वो कहते हैं ना कि छिड़े लग गई, फिर अम्बाला में, यूपी में, ईरोड में, तमिलनाडु में है ईरोड डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे, रांची में, गोंदिया में, मथुरा में, दिल्ली में भी ये टूर्नामेंट लगातार चलते रहे, और अभी तक हम अपने 7 नेशनल कंप्लीट कर चुके हैं। इस साल 2020 में हमारा 8वां T10 लेग क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। और हम सबका एक सपना था कि जैसे क्रिकेट में या कबड्डी में जो प्रो लीग्स होती हैं, उसी के आधार पर, उसी की तरह, उसी की तर्ज पर क्यों ना हम भी एक लेग क्रिकेट की लीग कराएं। और ये डिसाइड भी हो गया था इस साल जुलाई में दिल्ली में फर्स्ट इंडियन नेशनल T10 लेग क्रिकेट चैंपियनशिप होने जा रही थी, जो अब कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गई है। इस टूर्नामेंट को अब हम आगे भविष्य में कराएंगे। तो इस साल हमारे पास लेग क्रिकेट के 2 टूर्नामेंट हो गए, एक सीनियर नेशनल और एक T10, अपना जो इंडियन नेशनल T10 लेग क्रिकेट लीग होने वाली उसका। तो दोस्तों, इंडिया के साथ साथ, नेशनल के साथ साथ हमने इंडो नेपाल, इंडो भूटान, इंडो नेपाल ट्राई सीरीज और साउथ एशियन लेग क्रिकेट चैंपियनशिप का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका भी आयोजन किया है। अब बात करते हैं आगे की, जो आगे का जो भविष्य है हमारा, इसी साल 2020-21 का जो सेशन है, इस सेशन में हमारा साउथ एशियन जो कि नेपाल के पोखरा में होनी थी, वो भी आयोजन का जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, उसको भी आयोजित करना था। लेकिन अब ये जो लगता है जो 2020-21 वाला सेशन है, इसको थोड़ा लॉकडाउन के कारण हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इतिहास हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, इसमें एक जो टूर्नामेंट है वो हरियाणा के सोनीपत में भी आयोजित किया गया था, अभी रूल बुक मेरे सामने आया है। दोस्तों, लेग क्रिकेट की जो फेडरेशन है, लेग क्रिकेट फेडरेशन इंडिया, इसका रजिस्ट्रेशन 2014 में हुआ है, हालांकि हम 2011 से इसको ट्राई कर रहे हैं अलग अलग राज्य में। यही नहीं, हम एक विधिवत तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल लेग क्रिकेट काउंसिल को रजिस्टर कराया, उसके बाद हमारी लेग क्रिकेट फेडरेशन इंडिया रजिस्टर्ड है, और इसके बाद जो हमारी राज्य स्तरीय इकाइयाँ हैं, जैसे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, केरला हो, इन सभी, महाराष्ट्र, इन सभी एसोसिएशन को हमने रजिस्टर कराया, और भविष्य में जो और भी एसोसिएशन है वो धीरे धीरे रजिस्टर हो रही है। तो आज अगर हम कहें, हमारे पास ये लगाइए कि आप 16 से लेके 25-26 स्टेट एक्टिव हैं जो लेग क्रिकेट का, जहाँ पर संचालन हो रहा है। तो
तो बात करते हैं लेग क्रिकेट की नियमावली की। जो पहला नियम हमारा है वो है खेल का मैदान और उपकरण। जी हाँ दोस्तों, खेल का मैदान और उपकरण। जब हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की। दोस्तों ये पिच ही है जहाँ से पूरे मैदान का निर्माण किया जाता है। जब हम लेग क्रिकेट का जो मैदान मार्क करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पिच का निर्माण करते हैं। पिच की जो चौड़ाई है वो 8 फीट है सभी एज ग्रुप के लिए, लेकिन जो पिच की लंबाई है वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। तो हम बात करते हैं 14 वर्ष से कम के लिए, जिसको हम मिनी बोलते हैं। इसमें जो पिच की लंबाई होती है वो सबके लिए, लड़के लड़की और मिश्रित के लिए जो है 44 फीट होती है। उसके बाद अंडर 17 के लिए, जिसको हम जूनियर या सब जूनियर बोलते हैं, सब जूनियर के लिए ये 46 फीट है। जूनियर अंडर 19 के लिए 48, सीनियर अंडर 21 के लिए 48 फीट, और ओपन जो एज ग्रुप है उसके लिए भी ये 48 फीट है। मीन्स जो इसकी जो लंबाई है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग 44 से 48 फीट है लंबाई, चौड़ाई 8 फीट है। अब पिच आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, पीछे ये जो पिच आपके देखिए, इस पिच पे जो है इसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है 48, सॉरी माफ कीजिएगा, 44 फीट से 48 फीट। जी हाँ, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर है ये 42 दे रखी थी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो एक अंडर 12 एज कैटेगरी होती थी, जिसको हमने अब अंडर 14 में ही कवर कर दिया है। तो अब जो पिच की लंबाई है वो अपना 44 से 48 फीट हो गई है। चौड़ाई इसकी जो है वो 8 फीट है। इस पूरी पिच के बीचों बीच एक रेखा खींच जाती थी। मान लीजिए अगर आपकी जो 44 है तो 22 पे, और अगर 48 है 24 फीट पे आपकी एक सेंटर लाइन खींची जाती है। इसी सेंटर लाइन के सेंटर से, यानी मध्य रेखा के मध्य से, हम फीते को रख के अपनी जो बाउंड्री है उसको मार्क करते हैं। बाउंड्री की अभी लंबाई क्या है वो आप आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। अभी बाउंड्री वैसे मैं बता दूं आपकी, हमारी 80 से लेके 140 फीट होती है अलग अलग एज ग्रुप के लिए। ये जो पिच देख रहे हैं, इसके पिच के दोनों तरफ बॉलिंग और लेंगिंग एरिया है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो 3x8 है, यानी 3x8, 3 फीट ये लंबी है और 8 फीट चौड़ी है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टम्प्स की। स्टम्प्स जो हम क्रिकेट में हैं वही स्टम्प्स यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे इसके प्लेसमेंट का। जब क्रिकेट के अंदर जो विकेट को गाड़ा जाता है तो उनका जो टोटल डिस्टेंस है वो 9 इंच के आसपास का होता है, जबकि लेग क्रिकेट के अंदर ये पूरा 1 फीट होता है। आपको एक बात और बता दूँ, लेग क्रिकेट के अंदर जितनी भी मेजरमेंट है वो फिट के अंदर है। अब हम बात करेंगे गेंद की। मैं बॉल के बारे में बता चुका हूँ कि अदर्स गेम की तरह ब्लैक क्रिकेट की भी एक स्पेसिफाइड बॉल है, एक अलग से बॉल है, जिसका वजन 225 से 250 ग्राम होता है, और इसका जो साइज़ होता है लगभग लगभग 0 से 2 नंबर फुटबॉल के बीच का होता है। ये अगर कहीं इमरजेंसी और आपको ये बॉल ना मिल रही हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो बॉल आपकी हथेली में इजीली से आ जाए, 0 नंबर 1 नंबर 2 है उसके आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जो वुमेन्स हैंड बॉल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वुमेन्स हैंड बॉल और जो हमारी लेग क्रिकेट की बॉल है काफ़ी सिमिलर है वो। हम बात करेंगे बाउंड्री की। बाउंड्री जो हमारे पास है वो मैंने बताया पिच के सेंटर से नापी जाती है, और अंडर 14 के लिए ये 80 से 90 फिट बॉयज़ के लिए। ये पूरा आप देख लीजिए चार्ट मेरे पीछे साइड में बना हुआ है, आप देख लीजिए इस पे पूरा लिखा हुआ है। जो अंडर 14 है वो 80 से 90 फिट है, 17 है वो 100 फिट है, अंडर 19 के लिए 120, और अंडर 21 और सीनियर्स के लिए, माफ चाहिएगा, अंडर 21 को सीनियर बोलते हैं। यहाँ पे अंडर 21 और ओपन दोनों के लिए जो बाउंड्री होगी वो 120 से 140 फीट होगी। जी आप बाउंड्री का पीछे चित्र भी देख सकते हैं। ये जो बाउंड्री है इस पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच पिच है, सेंटर लाइन है उसी के सेंटर से एक ये रेडियस खींची गई है जो 80 से 140 फीट है। हम रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती है खिलाड़ियों की वेशभूषा। एक बात बता दूँ आपकी, पूरी टीम की जो स्पोर्ट्स वेयर है वो एक जैसा होना चाहिए। इसमें क्या क्या है, अगर आप गर्मी में खेल रहे हैं तो आप एक अपना टी शर्ट साथ में निकर, निकर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल फील कर तो निकर पहन सकते हैं। अदरवाइज आप पजामा भी पहन सकते हैं, जो जिसको हम ट्रैक पैंट बोलते हैं, जूते। अभी 2020 से पहले कुछ खिलाड़ी अपनी सुविधा के अंदर अनुसार जूते निकाल देते थे और वो बगैर जूतों भी खेलते थे, उनको आसानी लगती थी शायद खेलने में ऐसा। लेकिन अब सबके लिए जूते पहनना जरूरी है, और जूते भी आपके स्पोर्ट्स शूज हैं, स्पोर्ट्स शूज, फुटबॉल शूज नहीं।
2011 से ही लेग क्रिकेट के अंदर फुटबॉल शू, जिसको हम स्टड्स बोलते हैं, ये प्रतिबंधित हैं, इनका खेल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात चलते हैं फुटबॉल सॉक्स की। जो खिलाड़ी निकर में खेल रहे हैं वो चाहे तो फुटबॉल सॉक्स पहन सकता है। फुटबॉल सॉक्स शूज नहीं, फुटबॉल सॉक्स जो अपनी जुराबे आती है वो स्पोर्ट्स शूज में पहन के खेल सकता है अगर वो निकर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर वो ट्रैक पैंट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको फिर उनकी जो सॉक्स की जरूरत नहीं रहेगी। रूल बुक में भी देखिए आप लिखा हुआ है स्टड्स आर नॉट अलाउड। इसमें डायग्राम में फोटो भी दिए गए हैं कि जहाँ पे जो स्पोर्ट्स शूज है वो टिक है राइट का, और जो फुटबॉल शूज है उसके ऊपर नहीं, मीन्स ये नॉट अलाउड का वहाँ पे है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल्स की। जो लेग क्रिकेट का सेकंड रूल है वो है टीम और खिलाड़ियों के विषय पर। मैं बता दूं आपको, लेग क्रिकेट एक टीम गेम है जिसके अंदर दो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं एक समय में। दोनों टीम्स में कम से कम 11 खिलाड़ी, माफ़ कीजिएगा, 11 खिलाड़ी मेन प्लेयर और 4 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। पहले हमारे पास एक नियम था कि लेग क्रिकेट में केवल वही टीम पार्टिसिपेट कर सकती है जिसके अंदर मिनिमम 11 प्लेयर्स हैं। जी हाँ, कम से कम 11 प्लेयर। लेकिन अब इस नियम को चेंज कर दिया गया है। अब मैदान में घुसने के लिए, खेलने के लिए आपको 11 की नहीं केवल 9 प्लेयर की ज़रूरत है। यदि आपकी टीम में 9 प्लेयर भी हैं तब भी आप लेग क्रिकेट गेम खेल सकते हैं। हाँ, अगर 9 से कम है तो फिर सामने वाली टीम को वॉक ओवर दे दिया जाएगा, आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ जो मैच का आरंभ होने से पहले दोनों जो कैप्टन्स हैं वो अपने अपने प्लेयर्स की लिस्ट एम्पायर को और स्कोरर को दे देंगे। एम्पायर उस लिस्ट की टैली करेगा। ध्यान रहे, इस लिस्ट में मैच आरंभ होने के बाद कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं कैप्टन की। हर टीम का एक कैप्टन होता है। मैच के दौरान अगर कैप्टन के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो वाइस कैप्टन है वो अपनी टीम का संचालन करेगा। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। इसमें जो हमारे पास जो कैटेगरीज होती है वो तीन होती है। पहली बॉयज, दूसरी गर्ल्स और तीसरा मिक्स। जो मिक्स कैटेगरी है इसके अंदर हमें जो अपना प्लेयर्स हैं उनकी जो संख्या वो 50-50 होगी। यानी कि 11 प्लेयर हैं तो 5 लड़के 5 लड़कियां। जो 11th प्लेयर हैं वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकते हैं। अब जब बात है 9 प्लेयर्स की, जो कि ग्राउंड में एंट्री करते समय हमें चाहिए मिनिमम प्लेयर, उसमें 4 बॉयज 4 गर्ल्स, और जो 9th प्लेयर है वो बॉयज या गर्ल्स कुछ भी हो सकता है। जो दूसरा हमारा नियम है वो है अपना एज ग्रुप और कैटेगरीज। कैटेगरी तो मैंने बता दिया आपको, बॉयज गर्ल्स और मिक्स। अब एज ग्रुप की बात करते हैं। एज ग्रुप को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह के हम टूर्नामेंट कराते हैं। पहले टूर्नामेंट वो होते हैं जिनको हमारी फेडरेशन, लेग क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ऑर्गेनाइज कराती है, जो अभी तक वही हुआ है। दूसरे हमारे टूर्नामेंट होते हैं जिनको हमारी जो एफिलेटेड यूनिट है, स्कूल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो कराती है। तो उसके जो एज ग्रुप हैं और जो फेडरेशन के एज ग्रुप हैं दोनों अलग अलग हैं। जो फेडरेशन के एज ग्रुप हैं वो इस प्रकार है। पहला जो एज ग्रुप है अंडर 14 मिनी, अंडर 17 सब जूनियर, अंडर 19 जूनियर, अंडर 21 सीनियर, और एक अलग से ग्रुप है ओपन ग्रुप, जिसको हम ओपन ग्रुप या मेंस या वुमेंस बोलते हैं। उसके बाद जो स्कूल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे कि नाम से इसमें केवल स्कूल के बच्चे खेलते हैं तो स्कूल वाले नियम चलते हैं। स्कूल के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास अंडर 14 सब जूनियर, अंडर 17 जूनियर और अंडर 19 सीनियर टीमें खेलने को आती हैं। इनको हमने तीन भागों में बांटा है। कैटेगरीज में बता चुका हूँ आपको पहले ही, बॉयज गर्ल्स एंड मिक्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैचेज, यानी मैचों के प्रकार। तो दोस्तों, मैच को हमने ओवर के आधार पर बांटा है। पहला T5, माफ कीजिए, 5 ओवर के मैचेज, जिसमें दोनों टीमों को 5 5 ओवर खेलने को मिलते हैं। मोस्टली यही स्वरूप हमारे स्टेट लेवल, या कई बार जब टीमें ज़्यादा हो जाती है तो नेशनल लेवल में हम इसी स्वरूप को देखते हैं। दूसरा हमारा स्वरूप है T10। T10 मतलब 10 ओवर इस टीम को और 10 ओवर इस टीम को, दोनों को 10 10 ओवर दिए जाते हैं। एक और होता है T20। T20 चैंपियनशिप का आयोजन मैं बता दूं लेग क्रिकेट के इतिहास में अभी तक तो हमने कभी नहीं कराया है। T10 और T5,
जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं, अगर हमारा लीग टूर्नामेंट है तो T10 चलता है, और लीग कम नॉकआउट है तो उसमें T5 अपना 5 ओवर का, और जो फाइनल और सेमीफाइनल वो 10 ओवर के कराए जाते हैं। आपको लगता होगा कि भाई ओवर की संख्या बहुत कम है, 5 ओवर में क्या करेगा दोस्तों। अब मैं कहता हूँ आप खेलिए, जो आप इस टूर्नामेंट को खेलेंगे तो 5 ओवर ही काफ़ी भारी पड़ जाते हैं। कई बार तो इस 5 ओवर में ही पूरी टीम आउट हो जाती है, और अगर टीम स्ट्रोंग है तो आप एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाओगे 5 ओवर में। ऐसा हुआ है दिल्ली की टीम में, हमारे कुछ खिलाड़ी थे, धर्मेंद्र है, विकास है, सूरज है, ये ऐसे खिलाड़ी थे कि अगर ये जोड़ी शुरू में आ गई तो आउट ही नहीं होती थी। जो हमारा, मैंने बताया आपको, महाराष्ट्र कल्याण में हमारा जो फर्स्ट 2012 में बवाना के बाद जो अगला मैच था वो अपना जूनियर नेशनल था T10 कल्याण में, उसमें एक अलग ही तरह का इतिहास था। जो दिल्ली की लड़कियां थी उन्होंने हरियाणा की लड़कियों को हराया, जानते स्कोर क्या था? टोटल स्कोर 15 रन, 15 रन पे ऑल आउट। ये अपने आप में आज तक का क्रिकेट का सबसे कम स्कोर है। तो हमने जो इसको मैचों को डिवाइड किया है ओवर के आधार पर, ये अनुभव के आधार पर किया है। पहले जब हम स्टार्टिंग थे तो हमने T10 को लिया था, यानी 10 ओवर का, लेकिन 10 ओवर बहुत ही लंबे पड़ते थे उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा समय लेते थे, और टीमें जो थी वो 2-3-4 ओवर में आउट हो जाती थी। तो T10 का तो कोई सवाल ही नहीं रहता उस टाइम पे। अब हम बात करेंगे स्कोर की, रन कैसे बनते हैं। देखिए रन सिस्टम मोस्टली मोस्टली क्रिकेट की तरह ही है। इसमें पहला होता है रनिंग बिटवीन द विकेट, जिसको हम कहते हैं भाग कर रन लेना। बॉल आई, उसको हिट किया, बॉल दूर गई, और जब तक बॉल वापस बॉलर के पास या विकेट कीपर के पास आए तब तक तो वो भाग के रन, दोनों विकेटों के बीच में भाग के रन लेते थे। दूसरा है चौका, क्रिकेट की तरह इसमें भी फॉर अगर आपकी जो हिट की हुई बॉल वो जमीन को टच करके बाउंड्री क्रॉस करती है तो चौका है, अगर डायरेक्ट हवा में बाउंड्री क्रॉस करती तो छक्का, जिसको हम सिक्स बोलते हैं। क्रिकेट की तरह इसमें भी ओवरथ्रो के रन है। ओवरथ्रो आप समझते हैं कि भाई बॉल फेंकी, निशाने पर लगी नहीं, इधर उधर निकल गई, उस बिटवीन में भी वो चाहे तो भाग के रन ले सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें शॉर्ट रन काउंट नहीं होता। कई बार क्या करते हैं खिलाड़ी जल्दबाजी में अपना जो लेगिंग एरिया उसको टच किए बिना उससे पहले वापस भाग के आ जाता है, तो उस रन को हम काउंट नहीं करेंगे। पहले एक नियम था हमारा कि अगर कोई प्लेयर शॉर्ट रन लेता है तो उसका एक भी रन काउंट नहीं होगा। मीन्स मान लीजिए उसने हिट किया, रनिंग बिटवीन द विकेट में उसने 3 रन ले लिए और 3 में से 1 रन शॉर्ट था, तो वो तीनों के तीनों रन उसके काट दिए जाते थे। अब ऐसा नहीं है, T20 जो नियमावली में अभी हमने चेंज किया है वही है कि जो शॉर्ट रन लेगा वही उसका कटेगा, चाहे वो एक ले चाहे दो ले, अब उसके पूरे रन नहीं कटेंगे। अगला हमारे पास एक्स्ट्रा या पेनल्टी, वही अपना वाइड बॉल और नो बॉल, ये दोनों ही हमारे पास है। इसके अलावा एक अलग से रन डाला हमने पेनल्टी में, जिसको हम बोलते हैं हिंडरिंग, जब दो खिलाड़ी आपस में भाग रहे होते रन लेने के लिए और फील्डिंग करने वाली टीम का या बॉलिंग करने वाली टीम का कोई खिलाड़ी जानबूझकर उनको बाधा पहुंचाता है, बीच में कूदता है या उनको रोकने की कोशिश करता है, तो इसको हिंडरिंग बोलते हैं। इसका लिए एक एक्स्ट्रा रन सामने वाली खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये हिंडरिंग का जो रन है लेगर के अकाउंट में नहीं होगा, ये जो उनका टीम स्कोर है उसमें काउंट का ध्यान रखना। तीनों, चाहे वो नो बॉल है, चाहे वाइड बॉल है, चाहे हैंडरिंग है, तीनों ही जो स्कोर है वो टीम स्कोर में काउंट हो गए, प्लेयर के इंडिविजुअल स्कोर में काउंट नहीं होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने ऑफिशियल टाइम आउट की। जो हमारा अगला नियम है वो ऑफिशियल टाइम आउट का, जैसे आपने देखा क्रिकेट, माफ कीजिए, कबड्डी में, छोटे गेमों में टाइम आउट होता है, लेग क्रिकेट में कोई भी ऑफिशियल टाइम आउट नहीं होता। हाँ, मैच को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, वो भी एम्पायर की डायरेक्शन पर या किसी खिलाड़ी की रिक्वेस्ट पर, जब उसे चोट लगती है और उसको रिप्लेसमेंट चाहिए तब मैच को रोका जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल टाइम आउट नहीं होता। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ प्लेयर, यानी कि खेल के दौरान खिलाड़ियों की अदला बदली। इसमें देखिए अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या घायल हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको बदला जा सकता है, लेकिन इसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि खिलाड़ी कैप्टन को बोलेगा, कैप्टन एम्पायर को बोलेगा, कैप्टन जो एम्पायर है उसकी परमिशन होने के बाद ही वो खिलाड़ी बाहर जाएगा, उसके बदले नया खिलाड़ी आएगा। कई बार क्या होता है कि लेगिंग करने वाला खिलाड़ी है, उसको चोट लग गई है, चल नहीं पा रहा वो,
दौड़ नहीं पा रहा, खेल सकता है लेकिन दौड़ नहीं पा रहा, तो एम्पायर कैप्टन के रिक्वेस्ट करने पर उसको एक रनर दे सकते हैं, यानी कि खेलेगा वो मेन प्लेयर, उसकी जगह पर जो भाग के रन लेगा वो बाहर से दूसरा प्लेयर आ सकता है। तीसरा है, एक और बता दें आपको, अगर कोई खिलाड़ी को चोट लग गई है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट बगैर एम्पायर को बताए हुए बाहर नहीं जाएगा। अगर वो चला जाता है तो उसे ग्राउंड आउट कर देंगे, बाहर है वो, उसके जगह पे एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आपका प्लेयर कोई चोटिल है तो उसकी सूचना आप अपने एम्पायर को जरूर दें। अगले हम आठवें नियम की बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा रन मैंने बताया आपको, एक्स्ट्रा रन जो मिलता है नो बॉल पे, वाइड बॉल पे, हिंडरिंग पे, या फिर वार्निंग पे या मिसबिहेव पे मिलता है। जब हम बात करते हैं नो बॉल की, तो नो बॉल का थोड़ा सा यहाँ समझना ज़रूरी कि ये सबसे डाउटफुल चीज़ है। नो बॉल क्या है? हमने अपनी बॉलिंग एरिया बना रखा है, जब आप बॉलिंग करेंगे तो एक पैर आपका बॉलिंग एरिया में होना ज़रूरी है, बॉलिंग एरिया के बीच में, और वो पैर किसी लाइन को टच ना करे, ध्यान दें। अगर आपका पैर बॉलिंग करते समय किसी भी लाइन से टच हो गया तो नो बॉल है। दूसरा, जब आप बॉल को ग्राउंड में ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल ग्राउंड को बॉलिंग एरिया के बाहर से टच करे, अगर वो बॉलिंग लाइन जो है हमारी बात उसको टच कर जाती तो वो भी नो बॉल है। और जो तीसरा हमारा ये है कि एक हमने सेंटर लाइन, अब मैंने बताया था ना सेंटर लाइन का एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसी से हमारी पिच बनती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने बोला कि हमारे इससे अंडर आर्म बॉल होंगी और बॉल रोल की जाएगी, बॉल टप्पा नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी परमिशन दी गई, अगर सेंटर लाइन से पहले आपकी बॉल टप्पा लेती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेंटर लाइन के बाद लेगर की तरफ वो बॉल आपकी टप्पा लेती तो वो भी नो बॉल है। यहाँ एक विशेष कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये जो नो बॉल है बाउंस वाली, जो मीन्स आपकी सेंटर लाइन के बाद जब बॉल ने बाउंस किया है, इसकी अगर नो बॉल होती है तो एम्पायर को इसकी अनाउंसमेंट टच, जो लेगर है उसके टच करने से पहले देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बॉल गई, बॉल ने लेगर ने उसको शूट किया, बॉल हवा में है और बॉल कैच की तरफ जाती है और एम्पायर पीछे चलाती है, नो बॉल नहीं, ये बिल्कुल नो बॉल नहीं मानी जाएगी, फिर राइट बॉल मानी जाएगी। तो एम्पायर को यहाँ पे बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। आप जितने भी अभी यहाँ सेमिनार आयोजित में इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं, वो सभी ध्यान से सुने कि अगर आपको नो बॉल ऐसी देनी है तो वो उसके हिट करने से पहले आपको लग जाएगा पता, जब बॉल क्रॉस करती है सेंटर लाइन को उसके बाद टप्पा खाती है, तो हिट करने से पहले आप उसको नो बॉल दे दें। तो आगे बढ़ते हैं, नो नो बॉल के बारे में एक विशेषता और बता दूं आपको मैं। नो बॉल में केवल एक ही तरह का आउट जो है वो माना जाता है, वो है रन आउट। नो बॉल में अगर आप कैच आउट होते हैं तब भी आप आउट नहीं है, नो बॉल में आप अगर किसी और तरह से आउट होते तो वो भी आउट नहीं है, लेकिन अगर आप नो बॉल पे रन लेते हैं और उस दौरान आप आउट हो जाते हैं तो आपको आउट माना जाएगा। बात है वाइड बॉल की, मैंने बताया क्रिकेट, माफ कीजिए, लेग क्रिकेट में जो पिच की चौड़ाई वो 8 फीट है। अगर बॉल हमारी लेगिंग जो लाइन है, पहली जो लेगिंग लाइन है, यहाँ तक आने से पहले ही इस 8 फीट की पिच से बाहर निकल जाती है तो इसको हम वाइड बॉल बोलेंगे। इस वाइड बॉल के लिए सामने वाली टीम को एक एक्स्ट्रा रन दिया जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा रन है, चाहे वो नो बॉल है, चाहे वो हिंडरिंग है, चाहे वो अपना वाइड बॉल है, ठीक है, या अपना जो पेनल्टी रन है, ये सभी जो है वो टीम के स्कोर में काउंट हो गए, किसी भी खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्कोर में वो चीज़ें काउंट नहीं होगी। तो वाइड बॉल मैं आपको बता चुका हूँ, एक और हिंटिंग मैं पहले बता चुका हूँ। हिंटिंग क्या है कि जब दो लेग्समैन रन लेने के लिए दौड़ते हैं तो उसमें बॉलर या कोई भी अपोजिट टीम का खिलाड़ी अगर उनको रोकने की, जानबूझ कर रोकने की चेष्टा करता है, एक तो भाई ठीक है गलती से लग गया, लेकिन एक बार जानबूझ कर रोकने की कोशिश करता है तो उसके बदले भी सामने वाली टीम को एक एक्स्ट्रा रन दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो खिलाड़ी है वो आउट कैसे होता है। क्रिकेट आप सबने देखा है, क्रिकेट की तरह इसमें भी रन आउट,
कैच आउट, हिट विकेट, क्लीन बोल्ड और टाइम डाउट। अभी थोड़ा सा टाइम डाउट क्रिकेट में भी है। अब सोचे कि टाइम डाउट क्या है। टाइम डाउट ये है कि मेन से जब एक खिलाड़ी आउट हो गया तो वो जब ग्राउंड से बाहर जाता है तो 2 मिनट के अंदर दूसरा खिलाड़ी, दूसरा लेग्समैन ग्राउंड में आना चाहिए। अगर 2 मिनट से लेट हो जाता है तो इसको टाइम डाउट बोलते हैं। मीन्स पहला खिलाड़ी गया, 2 मिनट तक अगला खिलाड़ी नहीं आया तो वो अगले वाला खिलाड़ी भी आउट होगा, अब उससे अगले वाला खिलाड़ी आएगा। बात करते हैं डबल टच की। अगर लेग क्रिकेट में हम बॉल को 2 बार टच कर देते हैं तो ये भी आउट है। अब वो दूसरी बार टच चाहे आपके पैर से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे सर से, कहीं से भी हो, आपने एक बार बॉल को टच किया, बॉल सामने गई, बस उसी पे कवर कर दीजिए। लेकिन अगर आपने गलती से बॉल को दोबारा छू दिया तो वो भी डबल टच है। वो कैसे भी छू सकते हैं आप, हाथों छुए कैसे भी छुए आपकी है। आपको अगर आउट होना है तो आपको बॉल को डबल टच कर दीजिए। दूसरा है गलत पैर से मारना। ध्यान रखिए लेग क्रिकेट खेलते समय हमें अपना पैर डिसाइड करना होगा हमें किस पैर से। अगर हम ध्यान रखिए जो पैर हमारा विकेट की तरफ होता है, जब जो हमारी पोजीशन होती है, ये विकेट है, ये ध्यान दीजिए विकेट है और इसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये दो मेरे पैर हैं। तो जो पैर मेरा विकेट की तरफ, देखिए ये वाला पैर मेरा विकेट की तरफ, तो इसी से खेलूंगा। अगर मैं राइट खेलने वाला हूँ तो मेरा राइट पैर विकेट की तरफ होगा। अगर मैं लेफ्ट पैर से खेलने वाला हूँ तो फेस चेंज करके मैं लेफ्ट पैर विकेट की तरफ करूँगा और उसी पैर से मैं खेलूंगा। ध्यान रखना इसमें ये नहीं कि मैं अभी सामने खड़ा हूँ, मेरा लेफ्ट पैर है और जैसे आई मैं घूम के राइट से मैंने हिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं रॉन्ग फिट यूज। अगर मैं लेफ्ट पैर से खेल रहा हूँ और मैंने गलती से भी राइट पैर से बॉल को टच कर दिया तो मुझे आउट समझा जाएगा। इसको बोलते हैं हिट विद रॉन्ग लेग। दूसरा है लेग्समैन द्वारा हाथों से बॉल को छूने पर। गली मोहल्लों में तो ये चल जाता था, ठीक है भाई खिलाड़ी कम है और बॉलर ने बोल दी, वो आके मैंने उसको हल्के से रोक दिया और कोई खिलाड़ी नहीं तो मैंने उसको हाथ से पकड़ा के बॉलर को हेल्पिंग के लिए दे दिया, लो भाई पकड़ो। लेकिन लेग क्रिकेट में ये अलाउड नहीं है। अगर आपने गलती से भी बॉल को उठा के दया दृष्टि के कारण अपने अपोनेंट टीम को या उसके बॉलर को दे दिया तो आप आउट हो जाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको केवल बॉल को पैर से खेलना है, इसके अलावा बॉल को आपको हाथ या दूसरा पैर नहीं लगाना है। तो ये थे हमारे नियम नंबर 9, जिसमें हमने आपको बताया कि एक खिलाड़ी किस तरह से आउट होता है। अब हम बात करेंगे स्किल्स, रूल नंबर 10 की। जी हाँ, स्किल्स। लेग क्रिकेट में कौन कौन से स्किल है? लेग क्रिकेट में केवल जो हमारे पास है ना, 3 बेसिक स्किल है। पहला है जो है हमारे पास वो है बॉलिंग स्किल। क्रिकेट की तरह इसमें भी फास्ट बॉल, स्लो बॉल और स्पिन बॉल, ये 3 ही स्किल है। स्पिन बिल बॉल जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसमें आप बॉल समझ नहीं पाओगे बॉल जा कहाँ रही है। हमारे कुछ प्लेयर्स को मैंने देखा खेलते हुए बॉलिंग ऐसे करते, कई बार तो जो बॉल है ना आपकी, आपको बताऊंगा, बॉल बिल्कुल जो हमारे साइड लाइन है, साइड लाइन को टच करते हुए कई बार लगेगा बॉल जैसे बाहर निकल गई है और खिलाड़ी उसको वाइड बॉल छोड़ के छोड़ देता, पता चलता सीधे विकेट में हिट करती है वो। तो इसको बोलते हैं स्पिन बॉल। इसके अलावा मैं पहले बता चुका आपको स्लो बॉल और फास्ट बॉल। ये स्लो बॉल और फास्ट बॉल विकेट लेने में बड़ी ट्रिकी होती है। अगर आपने इसको सीख लिया ना, आसानी से आप विकेट लपक सकते हैं। दूसरा हमारे पास है लेगिंग स्किल। देखिए लेग क्रिकेट में हम फुटबॉल की तरह हिट करते हैं, तो इसमें भी वही फुटबॉल वाले इन स्टेप और अपने जो है आउट स्टेप किक होती है। एक इसको बॉल को फ्रंट से मारना, साइड किक, साइड किक में इनसाइड किक, आउटसाइड किक, और ये अलग स्किल मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपना चौथे नंबर पे डी में जिसको दिया गया है, ये है एडी से मारना। सोचेगा एडी से कैसे मारना, ये तो चीज़ें मैं आपको केवल ग्राउंड पे ही समझा सकता हूँ। ये मेरा पैर है, वैसे आमतौर पर देखिए समझ लीजिए इसको पैर है मेरा, ये तो बॉल जब सामने से आई तो इसको मैंने फ्रंट सेट किया, ठीक है ना, ये मेरा आउटसाइड है तो मैंने इसको आउट सेट किया, इसको बोलते हैं आउटसाइड किक। और जब बोलता है इधर से, ये इनसाइड किक गई मेरी। अब ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको समझूँ तो मेरी एडी होगी, इसको कैसे मारना। देखिए बॉल हमारे पास आ रही है, स्पीड से आ रही है, साइड में है, ध्यान रखिए विकेट की साइड में नहीं होनी चाहिए बॉल, साइड में है। बॉल इधर से आई तो मैंने अपना पैर उठाया और बॉल को, देखिए बॉल इधर जा रही थी, अगर मैं सामने से इसको ऐसे मारता तो मुझे पावर लगानी पड़ती, ज़्यादा पावर लगती, बॉल कम दूरी तय करती। लेकिन अब बॉल इधर से आ रही है, बॉल की जो स्पीड लाइन है वो इस साइड से है, और मैंने क्या किया अपनी बॉल को, इसको ऐसे बोली आई इसको, और इसको एडी से मारा पीछे की तरफ।
मीन्स बॉल में स्पीड थी और उसको मैंने अपने एडी से एसएमआर की स्कोर स्पीड दी तो पीछे की तरफ जाएगी और ये 99% आपका फोर रन होगा। तो ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा, इसको एडी से कैसे मारना है। दूसरा है गेंद को पैर से सरकाना, पुश करना। ध्यान रखना यहाँ पे दो चीज़ें, एक स्टॉपेज एक पुश। हमने बॉल को स्टॉप नहीं करना है, अगर हमने बॉल स्टॉप की डबल टच हो जाएगा, डबल टच होता है आउट है। बॉल को पुश करना ये सीखना पड़ेगा आपको। बॉल आई हल्की सी, उसको मतलब हिट नहीं करना है, सामने हिट किया, लेफ्ट राइट हिट किया, उसको बॉल को खाली पुश कर देना। बॉल मतलब ये कब होता है, जब हमें लगा है कि भाई बॉल को मैं ज़्यादा हिट नहीं कर पाया और जो प्लेयर्स हो मेरे पास ही, मैंने इसको हिट करने की कोशिश की तो मैं आउट हो जाऊंगा, कैच आउट हो जाऊंगा, तो हम बिल्कुल हल्का सा पुश कर देते हैं। दूसरा, जूते की तली से मारना। ये चीज़ें आपको ग्राउंड पे ही समझाई जा सकती हैं या इसके वीडियोज़ हैं, अभी डलवा दूंगा मैं बॉल के बच्चों को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे लेगिंग और बॉलिंग की, अगर हमारे पास है क्षेत्र रक्षण जिसको हम फील्डिंग बोलते हैं, इसमें गेंद को रोकना, जब खिलाड़ी हिट करता है तो उसको गेंद को रोकना, गेंद को कैच करना, गेंद को रोकना, फिर उठा के गेंद को फेंकना, ठीक है। और फेंकना भी के भी आप देखते हो, जैसे ये सब वो अपना क्रिकेट की टाइप का है, बॉलर का आपको हिट करके, यानी कि बॉल जब खिलाड़ी ने हिट किया तो उसको वापस बॉलर तक या जो हमारा विकेट कीपर तक है उसको पहुंचाना है। आगे हम बात करते हैं मिसबिहेव की, जो रूल नंबर 11 है मिसबिहेव का, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। हालांकि एक अच्छा खिलाड़ी ऐसा नहीं करता, लेकिन कई बार भावनाओं में बहकर या एक्साइट होकर कई बार खिलाड़ी ऐसी गलती कर देते हैं। अब ये मिसबिहेव है, हमें दो टाइप से देखना है। पहला है मिसबिहेव प्लेयर द्वारा, अगर कोई स्पोर्ट्समैन इसको करता है उसमें, तो स्पोर्ट्समैन जब एक खिलाड़ी है वो दो तरह से मिसबिहेव करेगा। एक सामने वाली टीम के खिलाड़ी के प्रति, जब आपस में दो खिलाड़ी भिड़ जाते हैं अपोनेंट टीम के, तो वो मिसबिहेव है। दूसरा है ये कि मिसबिहेव एम्पायर ने कोई डिसीजन दिया और कोई खिलाड़ी किसी टीम का कोई इससे एग्री नहीं है, तो वो मिसबिहेव के साथ एम्पायर से बात करें। तो दो तरह का मिसबिहेव हमने देखा है यहाँ पे, पहले टाइप में प्लेयर द्वारा एक खिलाड़ी को और दूसरा ऑफिशियल को। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी मिसबिहेव करता तो उसको एम्पायर वार्निंग देगा, एक वार्निंग, दो वार्निंग, और तीसरी वार्निंग में उसको चाहे तो वो एम्पायर उसको बाहर बिठा सकता है। अब ये गंभीरता है उसकी गलती पर, वो कितनी बड़ी गंभीरता है, मतलब अगर वो ज़्यादा मिसबिहेव करता है तो उसे एक मैच के लिए, उससे ज़्यादा करता है पूरी सीरीज के लिए अगर एम्पायर चाहे तो उसको ग्राउंड से बाहर बिठा सकता है। अब बात आती है कोच की, अगर कोई कोच मिसबिहेव करता है, कोच है या टीम मैनेजर है, कई बार है ना हम देखते हैं, मैं खुद अपने बताता हूँ, तो मेरे बच्चे गलत खेलते तो मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी उनके ऊपर चिल्लाता हूँ या उनको डायरेक्शन देता हूँ बाहर से। तो इसी प्रकार भावना में आके कोई प्लेयर जब उसको माफ़ कीजिए, कोई कोच अपने टीम को कोचिंग दे रहा है या शाउट कर रहा है या एम्पायर के डिसीजन से वो एग्री नहीं है, एम्पायर के साथ लड़ रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल लेग क्रिकेट में बर्दाश्त नहीं की जाती। एम्पायर पहली बार कोच को समझाएगा, ठीक है, अगर वो अपना व्यवहार जारी रखता है तो एम्पायर के हाथ में सबसे बड़ी पावर। अब देखिए पहला जो था उसमें तो आपको जो प्लेयर से प्लेयर का था उसमें तो उसको बाहर बिठा दिया, लेकिन अगर कोई कोच ऐसी गलती करता है, एक बार मना करने के बाद अगर कोच नहीं मानता, फिर से मिसबिहेव करता है, तो सामने वाली टीम को यहाँ पर जो एम्पायर है वो सीधे 6 रन पेनल्टी के रूप में दे सकता है, और ये जो 6 रन है वो टीम के स्कोर में काउंट हो गए। ये अलग से ये अभी हमने चेंज किया, क्योंकि कई बार देखा है कुछ जो टीम कोचेज हैं वो ऑफिशियल के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ द सिक्योरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एम्पायर, यानी कि जिसकी एम्पायर की जो निर्णय देने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे 6 रन की पेनल्टी अपोनेंट टीम पर ठोकी है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, मैच के दौरान किसी भी टीम का कोई भी कोच या टीम मैनेजर ग्राउंड के अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई कोचिंग करता है या किसी खिलाड़ी पर शाउट करता है या एम्पायर के साथ मिसबिहेव करता है और वो ग्राउंड के अंदर घुस जाता है, तो उसे वार्निंग भी नहीं दी जाएगी, सीधा उसके ऊपर 6 रन का वो कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो टीम का जो कोच है वो बाहर ही रहे,
काउंट, अगर उसे कोई गाइडेंस देनी भी है तो बाहर एक कोने से दे दे, वैसे देना भी अलाउड नहीं है। एम्पायर के अलावा कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अगर किसी को कोई डायरेक्शन देनी है कोचेज को तो बाहर रहे, इसमें हम बिल्कुल भी उसको अलाउड नहीं करते। अब हम बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है 12 नंबर का जो रूल है, ये हमारे पास है ऑफिशियल और उनके अधिकार। जो हमारे पास, अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑफिशियल हैं। लेग क्रिकेट के अंदर हम कुल मिलाकर 3 तरह के ऑफिशियल लेते हैं। पहले एम्पायर, जिनकी संख्या 2 होती है, दूसरा स्कोरर, ये भी 2 होते हैं, और तीसरा होता है एक रिकॉर्ड कीपर। ये रिकॉर्ड कीपर पूरे टीम का, पूरे मैचेस का बॉल टू बॉल रिकॉर्ड रखता है। तो हम बात करते हैं एम्पायर की। बता चुका हूँ कि 2 एम्पायर होते हैं हमारे पास। एक जो एम्पायर होता है वो मेन एम्पायर होता है, दूसरा एम्पायर साइड में रहता है। क्रिकेट की तरह होता है, सब एम्पायर का जो सेटिंग है अपना सेटिंग है वही पे है। इनका काम क्या होता है, इनकी ड्यूटीज क्या है? इनकी ड्यूटीज है पहले, सबसे पहले टॉस कराना। टॉस कराने के बाद दोनों जो प्लेयर्स हैं उनका आमने सामने खड़ेगा, दोनों का इंट्रोडक्शन कराएगा। मैच शुरू होने से पहले दोनों विकेट की और पिच की जांच करेगा। अगर उसमें लगता है कि पिच में कोई प्रॉब्लम है या इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उनको चेंज कराएगा। उसके बाद, सॉरी, उसके बाद वो मैच का संचालन करेगा। जो भी हमारी जो रूल बुक है इसके अकॉर्डिंग वो इनका नियमों के अनुसार मैच का संचालन कराएगा। दोनों मैच जो रेफरी है अपने अपने स्थान पर, जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर खड़े होकर मैच का संचालन करेंगे। अगर किसी भी एम्पायर को कोई डाउट है तो कोई भी डिसीजन देने से पहले वो दोनों आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे। दूसरी चीज़ वो एक बार होती है, कई बार हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है या लाइटिंग ठीक नहीं है, तो इस बात का जो सारा फैसला वो एम्पायर ही करेंगे। कोई भी टीम का जो कैप्टन है या कोच है उनको बाधित नहीं कर सकता। अगर उनको लगता है कि लाइटिंग ठीक है या मौसम ठीक है, हवा ठीक है, ज़्यादा तेज़ आंधी नहीं है या हवा ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो वो मैच को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये जितनी भी वेदर को लेके डिसीजन है वो सब एम्पायर को लेने हैं। अब बात करते हैं थर्ड एम्पायर की। क्रिकेट की तरह यहाँ भी थर्ड एम्पायर, लेकिन ये तभी संभव होता है जब कैमरे लगे हों। तो कैमरे लगे हैं तो उस कंडीशन में हम थर्ड एम्पायर को भी डिसीजन के लिए बोल सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोरर की। ये जो स्कोरर होते हैं, ये मैंने जो मुख्यतः इनका काम हो स्कोर शीट को भरना होता है, इनकी संख्या 2 होती है। ये ग्राउंड से बाहर बैठते हैं, ये हर बॉल और हर रन का रिकॉर्ड, यानी बॉल टू बॉल और रन टू रन रिकॉर्ड स्कोर शीट में भरते हैं। इनके अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, इनका काम क्या है। ये सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट है उनसे अपना जो स्टेशनरी का आइटम है, जिसमें स्कोर शीट, पेपर, पेन, रबर और पेंसिल, ये सब अपना इनके टेबल पे मैनेज करेंगे, अपना उनको लेकर रखेंगे। दूसरा ये है कि ये मैच स्टार्ट होने से पहले, जो टॉस हुआ उस टॉस को होने से पहले, दोनों ही कैप्टन से या टीम इंचार्ज से जो प्लेयर की लिस्ट है वो लेके अपने पास रख लेंगे, और उसके बाद चेकिंग करेंगे कि क्या ये प्लेयर वही है जो खेल रहे हैं। दूसरा है, वो जो स्कोरर है वो आपका हर बॉल का, हर खिलाड़ी का, इंडिविजुअल भी और टीम का भी, रन टू रन, विकेट टू विकेट, बॉल टू बॉल ध्यान रखेंगे। अब यही वो लोग हैं जो एंट्री करते भी, एक प्लेयर ने कितने चौके लगाए, कितने छक्के लगाए, या एक प्लेयर ने कितने विकेट ली, ये सब मेंटेन हमारे 2 स्कोरर करते हैं। तीसरा हमारे पास रिकॉर्ड कीपर है। ये रिकॉर्ड कीपर क्या करता है, जो भी हमारे पास डाटा हमने बनाया है, जो भी स्कोर शीट हमने भरी है, जो चीज़ हमारे पास है, जैसे मैच खत्म हुआ स्कोरर से ये लेके अपने पास रख लेगा। तीसरा हमारे पास है, अब इसकी हम आखिरी नियम पर आ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं टाई। ये एक मैच के अंदर बड़ी ही विवादास्पद स्थिति होती है, और ये तब उत्पन्न होती है जब दोनों ही टीमें सेम स्कोर काउंट करती हैं। सेम स्कोर समझते हैं ना आप, मतलब दोनों ही टीमें ने, मान लीजिए पहले टीम ने 120 रन बनाए, दूसरी ने भी 120 बना दी, अब डिसीजन कैसे करें? तो इसको हम बोलते हैं, ऐसी दशा को, ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं टाई। लेग क्रिकेट के अंदर टाई ब्रेक करने के 3 मौके मिलते हैं। अगर जो पहले जो 5 ओवर या 10 ओवर का मैच था, दोनों टीमें बराबर स्कोर करती हैं, तो उनको, यहाँ दोनों टीमों को एक अतिरिक्त रन, अतिरिक्त ओवर दिया जाता है, जिसको हम प्राइम ओवर बोलते हैं। इस ये जो प्राइम ओवर है ये डिसाइड करेगा कि विनर कौन है।
इस प्राइम ओवर में क्या होता है कि दोनों टीमों को मैक्सिमम 3 विकेट खोकर ज्यादा फिर ज्यादा रन बनाने हैं। मीन्स 3 की जगह अगर चौथी विकेट पड़ गई तो वो अपने आप ही हार जाएगा। तो हमें विकेट बचाते हुए खेलना है और ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करने हैं। लेकिन अगर यहां भी टाई हो जाता है, मतलब पहले भी टाई और इस प्राइम ओवर में भी टाई, तो हम अब आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 13.2 की तरफ, जिसमें हम दूसरी बार टाइम होने पर भी एक डिसाइडर ओवर देते हैं जिसको हम निर्णायक ओवर बोलते हैं। अब ये प्राइम ओवर से अलग है। प्राइम ओवर में क्या था कि हमें विकेट का ध्यान रखना है, यानी कि 3 से ज़्यादा विकेट नहीं गिरनी है, मैक्सिमम 3 विकेट गिर सकती हैं, मतलब विकेट भी कम से कम गिरे और रन भी ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये था प्राइम ओवर में। अब ये जो हमारे पास डिसाइड ओवर है, इसमें क्या है, इसमें आप चाहे कितनी विकेट गिरे ना गिरे कोई मतलब नहीं, इसमें जो भी टीम ज़्यादा रन बनाएगी विकेट लूज करके या विकेट बगैर लूज करे, इसमें जो डिसाइड होगा वो रन से डिसाइड होगा। मतलब इस एक ओवर में जिसको हम डिसाइड ओवर बोलते हैं, जो टीम सबसे ज्यादा रन बनाएगी आपस में वो टीम विजेता हो जाएगी। यानी जो पहली टाई आई उसके बाद प्राइम ओवर, प्राइम ओवर में 3 विकेट तक जो टीम ज्यादा ओवर बनाएगी वो जीतेगी। अगर फिर भी टाइम बढ़ गई, प्राइम ओवर में भी टाई आ गई, फिर हम उसको देंगे डिसाइडर ओवर। डिसाइडर ओवर में जो टीम ज्यादा रन स्कोर करेगी, विकेट की बात छोड़ देंगे यहाँ पर, हम जो टीम ज्यादा रन स्कोर करेगी वो जीत जाएगी। समस्या, अगर इस डिसाइडर ओवर में भी टाई हो गई तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पहले ही एक एक अतिरिक्त ओवर दोनों टीमों को दे सक चुके हैं, प्राइम ओवर और डिसाइड ओवर। अब हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे टॉस ऑफ लक की। मेहनत के आधार पर तो दोनों टीमें बराबर रही, अब हम बात करेंगे टॉस ऑफ लक की। दोनों टीमों को बुलाएंगे, कैप्टन को बुलाएंगे, उनका टॉस किया जाएगा। टॉस में जो टीम जीत गई उसे ही विजेता घोषित कर देंगे। हालांकि आज तक लैग क्रिकेट में ऐसी कंडीशन नहीं आई, सही है, आज तक नहीं आई है। टाई हुई है, जो 5 या 10 ओवर का जो मैच होता था उसमें टाई हुई है, उसके बाद जो हमने प्राइम ओवर दिया उसमें टाइम ब्रेक हो गई है। डिसाइडर ओवर भी हमने आज तक नहीं खेला है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कैसे हालात आ जाए तो हमें आज से ही तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो टाई का मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। जब अगर हमारे पास टाई हो जाती है तो सबसे पहले प्राइम ओवर दिया जाता है, जिसमें जो टीम मैक्सिमम 3 विकेट खोकर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाती है वो जीतेगी। उसके बाद भी टाई आती है तो डिसाइडर ओवर, इसमें जो टीम ज़्यादा रन बनाएगी वो जीतेगी। और अगर यहाँ भी टाई आती है तो टॉस ऑफ लक, यानी कि टॉस किया जाएगा, यहाँ लक जिसका साथ देगा वही विजेता होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी लेग क्रिकेट की रूल बुक। इस पूरी रूल बुक को मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, अब इसमें एक मेन पार्ट रहेगा, वो है हमारे पास स्कोर शीट। वो स्कोर शीट अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये स्कोर शीट देख रहे हैं आप। इसमें इस स्कोर शीट में ऊपर हमारा लोगो है, साथ में लेग क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद टूर्नामेंट का नाम, टूर्नामेंट का वेन्यू, कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, किस टीम ने टॉस जीता और किसने जीता, उसके बाद सीरियल नंबर है, 1 से 11 तक खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, उसके बाद लेग्समैन का नाम दिया गया है, उसके बाद अलग अलग कॉमन कॉर्नर में या अलग अलग खाने के अंदर ये स्कोर भरे हुए इंडिविजुअल देखिए आप, हर खिलाड़ी के सामने हमारे पास स्कोर हमने डाल रखे हैं। अब एक खिलाड़ी कितने रन बनाता है उसके सामने, ये जो रन है ध्यान रखिए ये रनिंग बिटवीन द विकेट है, इसमें चौका छक्का शामिल नहीं है। इसके सामने कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, जो कॉलम नंबर 4 की तरफ देखोगे इसमें फोर्स लिखे हैं, इसमें लिखी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, मतलब एक खिलाड़ी ने पहला चौका मारा एक काउंट कर दिया, दूसरा चौका मारा दूसरा कट कर दिया, तो हमें पता चलेगा एक खिलाड़ी ने कितने चौके मारे। उसके आगे जो कॉलम है वो 6 का है, यानी कि एक खिलाड़ी ने कितने छक्के लगाए हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी तक हम बात कर रहे हैं
लेग्समैन की, लेग्समैन की जो स्कोर शीट हमें कैसे भरनी है, ठीक है। चौके पहले है, रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर चौके छक्के, वो कैसे आउट हुआ, अगर कोई खिलाड़ी लेग्समैन आउट होता तो वो आउट कैसे हुआ, उसे आउट किसने किया, अगर वो कैच आउट हुआ है तो वो कैच किसने ली, उसके बाद टोटल यानी कि एक खिलाड़ी ने कितने टोटल रन बनाए, रनिंग बिटवीन द विकेट प्लस 4 × टोटल नंबर ऑफ फोर, यानी कि कितने चौके लगाए उसको 4 से गुना करना है वो टोटल में उसमें, उसके बाद कितने छक्के लगाए उसको 6 से गुना करके इन सबको जोड़ के टोटल में उसका लिखना है। और लास्ट में एक एक खिलाड़ी का जब हम करते हैं तो हमारे पास लास्ट में जो आता है वो आता है टीम का स्कोर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। नीचे जो हमारे पास है टोटल स्कोर लिखा हुआ है, ये तो ऊपर जो देखा आपने ये खिलाड़ी का इंडिविजुअल स्कोर था, नीचे टोटल स्कोर है, इसमें काउंटिंग की गई है लगभग लगभग 350 रन तक की, और 10 ओवर में 350 से ज़्यादा हमारे पास इतने लगभग बनते हैं। तो अब नीचे आते हैं, नीचे वाला जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिया गया है, यानी टोटल स्कोर पिंक में है, ऊपर का जो लेग्समैन का पर्सनल स्कोर है वाइट में है, और अब जो नीचे है ये लाइट स्काई ब्लू टाइप का कलर है, इसमें कौन सा ओवर है, इसमें 10 ओवर तक की हमने मार्किंग की है, क्योंकि 10 से ज़्यादा हमने कराया नहीं है अभी, 10 ओवर तक की मार्किंग है, बॉलर का नाम है, ठीक है ना, बॉल नंबर 1, 2, 3, उसके नीचे लिखा हुआ पहली बॉल पे कितने रन है, दूसरी बॉल पे कितने रन है, तीसरी बॉल पे कितने रन है, ये लिखा हुआ सब उसके बारे में। उसके बारे बाद है उसने कितनी बॉल है जो एक्स्ट्रा डाली, कितनी वाइड बॉल है, कितनी नो बॉल है, ये सब दिया गया है। यानी कि बॉल टू बॉल, पहली बॉल पे आपने 4 रन दिए तो 4 लिख दिया, दूसरी बॉल पे आपने 1 दिया वो लिख दिया, तीसरी बॉल आपकी नो बॉल थी तो नो बॉल उसके आगे काउंट करके लिख देंगे, पहली नो बॉल उसके आगे लिख देंगे तीसरी बॉल नो बॉल थी। और ये जो 3 नंबर वाला खाना है ना हमारे पास, इस पर हल्का सा स्टार लगा देगी, बताएगा कि हाँ भाई ये बॉल नो बॉल थी, एक छोटा सा एन लिख देंगे हमारे पास, वो तीसरी बॉल नो बॉल गई, उसके बाद जो तीसरी बॉल थी उसको दोबारा दिएगा, उस पर कितने रन आए वो सब वहाँ पर हम काउंट करके लिख सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट होगा कैसे भरना है, तो कल जो हमारा जूम पे सेशन होगा हम वहाँ पर इसको ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है फॉल ऑफ विकेट, ये हमारे पास सीरियल नंबर है, 10 खिलाड़ियों के नाम हैं, नेम ऑफ द लेग्समैन, कितने रन पे आउट हुआ और उसने कितने रन बनाए। अब किसने आउट किया था वो हम खिलाड़ी के सामने लिख चुके थे, अब नीचे जो है वो बॉलिंग टीम का है, तो ये खिलाड़ी का है ओवर लिखा हुआ, अपना सीरियल नंबर है 10 खिलाड़ियों के, कौन से ओवर में किसने, ये सब यहाँ पे डाटा दिया गया है। फिर हमारे पास जो लास्ट कॉलम है जो येलो कलर से दिया गया है, ये ऑफिशियल्स है, इसके अंदर एम्पायर का नाम, स्कोरर का नाम, उनके साइन, नीचे डिसीजन लिखा है कौन सी टीम विन की है, उसके बाद मैन ऑफ द मैच, यानी कम से कम बॉल्स पे किसने ज़्यादा रन बनाए हैं या किस खिलाड़ी ने ज़्यादा विकेट ली है, यहाँ डिसाइड होगा मैन ऑफ द मैच का, वो इस स्कोर शीट में नीचे लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी लेग क्रिकेट की रूल बुक, ये रूल बुक मेरे अकेले की देन नहीं है, इसके लिए जो हमारे पूरी टेक्निकल कमेटी है वो काम करती है, लेग क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक टेक्निकल कमेटी है जिसके अंदर हमारे पास कुछ सीनियर्स प्लेयर हैं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल एम्पायर्स हैं, और कुछ फेडरेशन द्वारा डिप्यूटेड हमारे जो है टेक्निकल सेक्रेटरीज हैं, उन सबका योगदान है तब इस लेग क्रिकेट का जो है क्या कहते हैं इसको यार पब्लिकेशन हुआ है। तो इन सभी की मदद से इस नियमावली का जो निर्माण हुआ है मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। इसमें मेरे साथ, मैं जेपी वर्मा जैसे आपको इंट्रोड्यूस दे चुका हूँ, मैं जेपी वर्मा हूँ और मैं ही इसी लेग क्रिकेट गेम का फाउंडर और लेग क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लेग क्रिकेट काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ हमारे साथी है जो अपनी लेग क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल सेक्रेटरी है मिस्टर रजत कंकर, जो अभी प्रेजेंट में है, और इनके साथ ही इस रूल बुक के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मिस्टर देवराज सिंह ने। देवराज सिंह जी हमारे जो है एक्स टेक्निकल सेक्रेटरी हैं, अभी वो
जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर विराजमान है। इसके अलावा हमारे जो सीनियर मोस्ट और नेशनल और इंटरनेशनल एम्पायर है मिस्टर सैम सलमान खान, प्यार से सैम बोलते हैं हमें, इन ये जो हमारी टेक्निकल टीम है इसका इस रूल बुक के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको और आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। अगर इसमें कुछ बात आपको समझ ना आई हो, कुछ डाउट हो, तो अपने डाउट को आप नोट कर लीजिए, कल इन डाउट पर हम जूम क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।